जाते, हमारे माध्यम से ईश्वरीय शक्ति काम करने लगती है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचे, फिर इंसान भगवान बन जाता है, पुरुष महापुरुष, मानव महामानव बन जाता है। यही है योग का लक्ष्य। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, योग करते करते वो पराशक्ति हमारे भीतर पूरी उतर जाती है और हम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगते हैं। ये है योग का बड़ा लाभ। भाई बहनों, ऐसे ये योग सबको करना है। और अब आपको आसन करवाएंगे। देखो, इतना प्राणायाम तो सबको करना है, 8 प्राणायाम है। अब आपको आसन कराएंगे और योगासनों का लाभ मैंने सामान्य रूप से आपको बताया कि भाई बहनों, योग से रोग तो मिटेंगे ही, योग से मानव क्या बनेगा बोलो, महामानव। जोर से बोलेंगे, योग से मानव क्या बनेगा, पुरुष महापुरुष। पुरुष क्या बनेगा, सब माता पिता भी चाहते ना उनके घर में भी महापुरुष हो, उनके घर में महामानव हो। एड़ियां बाहर पंजे अंदर, ऐसे बैठो, जरा गौर से सुनना। माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे बिगड़ ना जाएं, उनके बच्चे संस्कारवान हो, उनके जीवन में कोई बीमारी बुराई ना आए। एक गारंटी की बात कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को बचपन से ही योग सिखा दीजिए, उनके जीवन में कभी जिंदगी में कोई बीमारी और कोई बुराई नहीं आ सकती। आपके बच्चे बिगड़ना तो बहुत दूर की बात रही, दुनिया की हवा लगना तो बहुत दूर की बात रही, आपके बच्चे दुनिया की हवाओं का रुख बदल देंगे। इतने अच्छे आपके बच्चे होंगे, ऐसा ही तो बच्चे बनाने हम, स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान चरित्रवान बच्चे होंगे आपके। हाँ, और सुनो, ये 8 प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम के बाद ये आसन करना, फिर आपको व्यायाम बताएंगे, ये सब करना है, सबको कराना है सबको, और इससे जिंदगियां बदल जाएंगी। मैंने कहा ना, हम उस भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर जिएंगे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गौतम, कणा, जमनी, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, आइंस्टीन और न्यूटन, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, ये सभी तो क्या थे, मानव ही तो थे, और मानव से वो क्या बन गए बोलो, महामानव। पुरुष से वो क्या बन गए, महापुरुष। इंसान से क्या बन गए, इंसान से बन गए भगवान। उनके माध्यम से भगवान काम करने लगता है। तो तुम भी तो चाहते हो ना ऐसा हो जाओ, तो योग करना। बोले बाबा, आप इतने बड़े कैसे बन गए। मैंने कहा, मुझे तो पता भी नहीं लगा कि मैं बड़ा बन गया, लेकिन देश के करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं 9 साल की उम्र से योग करता हूं और अंतिम श्वास तक करूंगा और सबको कराऊंगा। जो भी योग करेगा ना भैया, वो जिंदगी में छोटा तो रह ही नहीं सकता, वो बड़े ऊपर वाले की कृपा हो जाती है उसके ऊपर। तो सब योग करना, और मैं चाहता हूं योग करके पूर्ण जागृत समर्थ आत्माएं हो, हर एक नर में नारायण प्रकट हो, हर एक पुरुष महापुरुष हो, हर एक मानव महामानव हो। यही काम करना है।